यही सवाल है हमारा कांग्रेस के पीएल पुनिया साहब से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके सामने हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी। पुनिया साहब, असुविधा ना हो ऐसा भी तो हो सकता था दौरा। देखिए, राहुल जी वहां गए, भारतीय जनता पार्टी पहले कहती है कि राहुल जी हैं कहां, राहुल जी यहां क्यों नहीं पहुंचे, अब पहुंचे हैं तो फिर उसका भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। राहुल गांधी वहां गए, लोगों से मिले, उनके दुख तकलीफें दी, अस्पताल में गए, वहां पर आवश्यक था उन्होंने काम किया। और जहां तक ये कहना कि साहब आईटीबीपी कैंप में कैसे रहे, अब वहां गए हैं, रात है तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, और आईटीबीपी के कैंप के अगर दो कमरे निकाल के और उनको उपलब्ध करा दिए और वहां ठहर गए, तो उसका इतना हाई तोबा मचाना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है, किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। राहुल गांधी गए, सही गए, और आईटीबीपी ने अपने दो कमरे उपलब्ध करा के, खाली करा के उनको उपलब्ध करा दिए, तो उन्होंने सही किया, उसे गलत नहीं किया। सुरक्षा की दृष्टि से इस गांधी परिवार के साथ क्या क्या हादसे हुए हैं आप जान समझ सकते हैं, और इनको एसपीजी प्रोटेक्ट ही है, उस वजह से अगर इनको आईटीबीपी कैंप के दो कमरे उपलब्ध करा दीजिए तो इसमें कोई हाई तोबा मचाने की बात नहीं है। मीनाक्षी जी, देखिए, हाई तोबा मचाने की बात नहीं होती अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री हैं वो ये बयानबाजी नहीं करते कि हम किसी के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देंगे, चाहे वो मदद के लिए ही क्यों ना हो। और ऐसा सिर्फ एक मुख्यमंत्री के साथ हुआ नहीं कहूँगी, बल्कि तमाम मुख्यमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, तमाम लोगों के साथ ऐसा हुआ जो कि संवैधानिक अस्तित्व रखते हैं, ना कि किसी पार्टी के केवल और केवल एक उपाध्यक्ष हैं। और ऐसे में ये सोचने वाली बात है, या तो उनका निर्देश गलत था जिसका पालन नहीं होना चाहिए था, या उनका निर्देश अगर गलत था सही था तो वो सब पे लागू होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से देखें तो ये कहीं ना कहीं विधान जो है गलत था। उसमें पहली बात तो मुख्यतः हमें ये माननी पड़ेगी कि आईटीबीपी के केवल अधिकारियों को नहीं निकाला गया, मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूचनाओं के मुताबिक वहाँ पे एक स्पेशल सेल भी जो है, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, और उस कंट्रोल रूम की देखरेख खुद जो है मुख्यमंत्री कर रहे थे। ऐसे में वो केवल वीवीआईपी नहीं है बल्कि एक स्पेशल लॉ के तहत एसपीजी प्रोटेक्शन वाले लोग हैं। एयर ट्रैफिक तक उसमें जो है इधर तितर बितर हुआ होगा क्या ऐसे मौके पर, जहाँ पर हर एक क्षण कीमती है, वहाँ पर ये हरकतें होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो तमाम लोग जो मात्र उत्तराखंड से लोगों को निकाल रहे थे और गुप्त काशी और ऊपर की, लेकिन मीनाक्षी जी, पुनिया साहब का सवाल की तो आप ही पूछ रही थी कि राहुल गांधी कहाँ है। साहब, मैं नहीं पूछ रही थी, आप लोग पूछ रहे थे, और आपने मेरे से ये प्रश्न किया था मीडिया वालों ने कि आपको क्या कहना है कि वो स्पेन में बैठे हैं, स्वीडन में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है। तो उसमें मैंने जवाब ये दिया था कि उनकी आवश्यकता अगर विदेशों में अधिक है वो भले ही वहां रहे, आप ये प्रश्न मेरे से नहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जाके कीजिए, मेरा ये जवाब था। पुनिया साहब, देखिए, राहुल जी गए और उन्होंने जो ये जो बात उठाई जा रही है कि पहले बाकी मुख्यमंत्रियों को नहीं आने दिया, देखिए, ये बहुत ही गंभीर एक समस्या उत्तराखंड में उत्पन्न हुई, एक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, और उसमें आवश्यकता के अनुसार गृह मंत्री जी ने कहा कि अब बाकी किसी हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया जाएगा, और ये सिलसिला चला एक हफ्ता भर, और एक हफ्ते भर में स्थिति सामान्य होने लगी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई भी आके लैंड भी कर सकता है, वहाँ पर एरियल सर्वे भी कर सकता है, वो कोई भी मुख्यमंत्री आके कर सकता है। तो अगर राहुल जी उसी समय जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद, एक हफ्ते भर के बाद में अगर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई गलत नहीं किया। और लेकिन सवाल तो यही नहीं कि व्यवधान उत्पन्न हुआ है, पुनिया साहब, सवाल यही है कि व्यवधान उत्पन्न हुआ है, वो कमरे ही उपलब्ध नहीं करा दे, व्यवधान उत्पन्न हुआ होगा। देखिए, व्यवधान उत्पन्न हुआ होगा, आपने कहा कि व्यवधान उत्पन्न हुआ होगा,
तो ऐसे अंदाज और कल्पना करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया और काम को डिस्टर्ब कर दिया गया। राहुल जी जैसे संवेदनशील व्यक्ति ये कभी भी नहीं कर सकते कि अगर वहाँ पर राहत कार्य चल रहा है और उसकी प्रक्रिया में आपके 30 सेकंड बाकी, पुनिया साहब आपके 30 सेकंड बचाना चाहूंगा। मीनाक्षी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? साथ में कह सकता हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई सेंट्रल दिल्ली में रहता है या पार भी करता है अपने काम के तौर पर, तो उसको पता है किस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक जैम मिलता है जब इनकी गाड़ियां निकल रही होती हैं। वो व्यक्ति 10 घंटे सड़क से गया और व्यवधान पैदा नहीं हुआ। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कुछ और तो सुनने वाले हैं नहीं, लेकिन देश की जनता, उत्तराखंड की जनता, तमाम लोग जानते हैं कि किस किस तरीके के व्यवधान सिक्योरिटी के नाम पर उत्पन्न किए जाते हैं। और खुश रहे अपनी सिक्योरिटी में, मुझे उस पर एतराज नहीं है, मगर जाके दूसरों की जिंदगी जहां बचाई जा सकती है वहां पे कम से कम खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। और इसमें अगर कोई कानून ठीक था तो वो सब पर लागू होता है, और गलत था तो आपने लोगों की शक्ल देखकर उस कानून को, उस रूल को बनाया ही क्यों? ये प्रश्न उठता है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ। पुनिया साहब, देखिए जिस दिन से राहुल जी गए हैं और उसी दिन गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया था, अब स्थितियों में सुधार हुआ है। अगर कोई मुख्यमंत्री आना चाहे, कोई और डिग्निटरी आना चाहे, वो आ सकता है, अपने एरियल सर्वे कर सकता है, लैंड कर सकता है, ये बहुत स्पष्ट है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, राहुल जी जब चलते हैं कोई ट्रैफिक नहीं रोका जाता, वो खुद चल के आए हैं, बाई रोड चल के आए हैं, बाई रोड उन्होंने सफ़र किया है। एक थोड़ी देर की उन्होंने एरियल सर्वे जरूर किया, तो वो उसको छोड़ के बाकी सड़क के माध्यम से, सड़क मार्ग से ही उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जी पुनिया साहब शुक्रिया, वक्त 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 खत्म होता हुआ यहाँ पर, क्या कार्रवाई की डिस्टर्ब, आपका पॉइंट हमने लिया। मीनाक्षी जी उनका कहना है कि कोई व्यवधान नहीं हुआ है, वो नहीं मान रहे हैं। देखिए वो मानेंगे तो इसकी उम्मीद आपको भी नहीं थी मेरा ख्याल, आपने जब डिबेट शुरू की, लेकिन लोगों के सामने ये सच को लाना आवश्यक था कि ना केवल वो सड़क से गए जहां पर ट्रैफिक जाम किया जाता है, एयर ट्रैफिक को भी रोका जाता है, और एयर ट्रैफिक के विषय में अगर इस देश में कोई भी वृत्ति भर ईमानदारी है तो वो सब चीजें रिपोर्ट के माध्यम से बाहर आनी चाहिए। और साथ ही वहां पे ना केवल ये सब हुआ था बल्कि एक खत्म होता हुआ। मीनाक्षी जी शुक्रिया, शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया पुनिया साहब, आप दोनों के पॉइंट हमने